हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे जॉइंट पेन के बारे में। जॉइंट पेन को हम आर्थराइटिस के नाम से भी जानते हैं और आर्थराइटिस का सबसे कॉमन रूप होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज़्यादा होता है और 50 वर्ष की अवस्था के बाद ज़्यादा इसको देखा गया है और ज़्यादातर उन्हीं महिलाओं को होता है जो ये ओवरवेट होती हैं या ओबेस होती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हड्डियों के जो सिरे होते हैं, जो कार्टिलेज से बने होते हैं, उनमें टूट फूट होती है। कार्टिलेज के नष्ट होने की वजह से जॉइंट में इन्फ्लेमेशन की समस्या आ जाती है, जिसकी वजह से जॉइंट में रेडनेस हो जाता है, सूजन हो जाता है और वहाँ पेन होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अर्ली केसेस को हम एक्सरे से डायग्नोज नहीं कर सकते, लेकिन जो पुराना ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस है उनके एक्सरे में जॉइंट स्पेसिस को देखने से पता चल जाता है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस का सबसे बड़ा कारण होता है विटामिन डी की कमी। हम कितना कैल्शियम लेते हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन विटामिन डी हम कितना लेते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन डी ही हमारी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है उन लोगों को अपने डाइट में मोनोअनसैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, यानी कि इन्हें प्रत्येक तरह का नट्स जरूर खाना चाहिए। अखरोट इन्हें तुरंत खाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, इसमें कैल्शियम होता है और विटामिन डी होता है और ये जॉइंट्स को लुब्रिकेट करते हैं। इसलिए इन्हें हर तरह का नट्स खाना चाहिए, चाहे वो बादाम हो, पिस्ता हो, अखरोट हो, पीनट्स हो। साथ ही साथ इन्हें केला भी भरपूर खाना चाहिए, क्योंकि केला बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पोटेशियम होता है और मैग्नीशियम होता है। और इन्हें हल्दी का प्रयोग भी किसी न किसी रूप में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हल्दी में एक सब्सटेंस होता है जो इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है। इन लोगों को फलों में रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी जरूर खाना चाहिए, ब्लूबेरीज भी जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इन सभी में एंथोसाइनिन नाम का एक तत्व होता है जो कि इनकी इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है। इन लोगों को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाना चाहिए, या जब भी लें मिल्क प्रोडक्ट्स तो लो फैट इनटेक वाला ही मिल्क लें। मिल्क प्रोडक्ट्स के में एक तरह का प्रोटीन होता है जिसे कैसीन कहते हैं, कैसीन भी इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देता है, इसलिए इन्हें मिल्क प्रोडक्ट से दूरी बना के रखना चाहिए। एक्सरसाइज में ये लोग इन्हें वॉकिंग करना चाहिए या स्विमिंग करना चाहिए या साइकिलिंग करना चाहिए। इन्हें रनिंग जंपिंग वाले एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे इनके जॉइंट्स में स्ट्रेन होता है। इन्हें खेलों में भी बास्केटबॉल या टेनिस जैसे खेल नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि इससे भी इनके जॉइंट पे स्ट्रेन पड़ता है। दोस्तों, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस को समय रहते ना रोका जाए तो ये बाद में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को अराइज कर देता है। जॉइंट्स में ब्लीडिंग की समस्या को बढ़ा सकता है, हेयर लाइन फ्रैक्चर का कारण बन जाता है और साथ ही साथ कार्टिलेज, जो हमारी हड्डियों के सिरे कार्टिलेज होते हैं, उनके टूट फूट की वजह से जॉइंट में कार्टिलेज जमा होने लगता है, जिससे कि सूजन और दर्द और बढ़ जाता है। इसलिए समय रहते ही इसका इलाज करें। आपके बहुत अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ जय हनीमैन, जय होम्योपैथी।